नमस्कार, आज हमारे साथ सिलसिले स्टूडियो में मौजूद हैं रेनवाल के रहने वाले आर्यन यादव और बीकानेर के रहने वाली खैरू। दोस्तों, बचपन से हम एक कहावत को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं, ये समाज का नकारात्मक रवैया है। आज मैं इस कहावत को थोड़ा सा सकारात्मक करके आप तक पहुँचाना चाहूँगा। हाल ही में प्री मेडिकल एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं। आजकल मुख्य तौर पर तीन एग्जाम्स मुख्य हैं प्री मेडिकल के लिए, एम्स, नीट और जिपमेर। ये दोनों प्रतिभाएं जो मेरे साथ खड़ी हैं, ऐसा कोई प्री मेडिकल का एग्जाम नहीं है जिसमें ये दोनों प्रतिभाएं सेलेक्ट नहीं हैं। आप दोनों सीएलसी क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। आपने 10th रेनवाल के महावीर स्कूल से पास करने के बाद सीएलसी को ज्वाइन किया। आपने भी 10th पास करने के लिए बाद सीएलसी को ज्वाइन किया। आप दोनों ही एम्स, नीट और जिपमेर में बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हैं। आर्यन की नीट की रैंक 141 है, आपकी एम्स की रैंक 294 है और आपकी जिपमेर की रैंक 622 है। खैरुल की जिपमेर की रैंक 105 है, एम्स की रैंक 1524 है और नीट की रैंक 3586 है। आइए आज हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं विरली होती है। किसी एक एग्जाम को फाइट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने फील्ड के सारे एग्जाम्स को फाइट करना अपने आप में करिश्मा है, अपने आप में एक जादू की तरह है। और कहते हैं कि जादू वो होता है जो सर चढ़कर के बोले। आज इन दोनों प्रतिभाओं की सफलता लोगों के सिर पर चढ़कर के बोल रही है। सबसे पहले मैं आर्यन से बात करना चाहूंगा। आर्यन, आपने 10वीं पास करने के बाद सीएलसी को ज्वाइन किया, वो कौन सी बात थी जो आपको 10वीं पास करने के बाद सीएलसी की तरफ खींच करके ले आई? सर, यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे बढ़िया था। मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हॉस्टल कैंपस वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कोचिंगों में अगर आप जाओगे, हमने भ्रमण भी किया था, जगह जगह हम घूमे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि डिसिप्लिन बिल्कुल अच्छा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बच्चे ऐसे वैसे भाग रहे थे हॉस्टल में और वार्डन वगैरह भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हम इधर आए तो इधर मतलब एकदम डिसिप्लिन से सब बात कर रहे थे और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था और एक सिस्टमेटिक मैनर में था। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे को भी, कि हाँ यहाँ पे अगर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ पे। आपके घर में मिठाइयाँ आने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। पहले नीट का रिजल्ट आया तब लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई होंगी, उसके बाद में एम्स का रिजल्ट आया तब लोगों ने मिठाइयाँ बांटी होंगी, उसके बाद में जिपमेर का रिजल्ट आया। ये सफलता की हैट्रिक, परिवार में कैसा माहौल? परिवार में खुशी का माहौल है सर, शुरू से ही खुशी का माहौल ही रहता है, हमेशा खुशी रहते हैं। मतलब और अभी रिजल्ट आने के बाद तो और ज़्यादा खुश हो गए, जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं और डेली न्यूज़पेपर में आता है तो भी मतलब स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप सोशल मीडिया हर जगह फैला हुआ है, तो सब कुछ। ओके, सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है, एंड द क्रेडिट गोज टू? माय मदर एंड सीएलसी। ओके, अगली बात हम खैरुल से करना चाहेंगे। खैरुल, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, जहां मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम होता है, लेकिन औरों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम रहता है। और माइनॉरिटी की गर्ल्स तो यहां तक पहुंचने का सोच भी नहीं सकते हैं। आप एक सामान्य परिवार से हैं, माइनॉरिटी की गर्ल्स होने के बावजूद आपने इतना बड़ा सपना पाला और तीन तीन एग्जाम में आप सफल हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। मेरी कजन्स डॉक्टर्स हैं, मेरे कजन्स लेक्चरर्स हैं, सब लोग एजुकेशन को फॉलो करते हुए बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे हैं, तो उसी को फॉलो मैं भी कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर पहुँची। इसीलिए मेरे फादर ने कोचिंग ज्वाइन करवाई, इसीलिए आगे एग्जाम से और सीएलसी का सपोर्ट था, इसलिए सिलेक्शन हो गया। चलिए, मैं खैरुल के बाद बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आप ताजुब करेंगे, आपका 12th के साथ, आप 10th पास करके सीएलसी आई थी, 12th के साथ आपका सिलेक्शन हो चुका था, 10,000 की रैंक थी, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। इसके बावजूद आपका कॉन्फिडेंस था, सीएलसी पर आपका विश्वास था, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ छोड़ा, वापस तैयारी की और आप सफलता की हैट्रिक के साथ खैरुल आपके सामने है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना लोगों का ड्रीम होता है, कॉलेज चाहे कोई सा हो, आपने मिला हुआ गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा और वापस सीएलसी में एडमिशन लिया। इसके लिए मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर मैं 12th बीकानेर सीएलसी में थी, तो बॉस ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा था जो दंगल मूवी का है, उसमें बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो मूवी आई थी, तो गीता फोगाट अपने फादर से बात कर रही होती है फाइनल मैच से पहले, उसका एक छोटी सी क्लिप उन्होंने भेजी थी जिसमें ये लिखा हुआ था,
मीन बोला था उन्होंने कि मिसालें जो होती है। कल की स्ट्रेटजी क्या है पापा? कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। छोरियों को देख रही है, वो दी जाती है, उनको भूला नहीं जाता। तो बॉस ने मुझे वो भेजा था तो मुझे वो काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। उस साल तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी कुछ मिसमैनेजमेंट रहा, लेकिन मुझे बॉस पे पूरा विश्वास था, मुझे सीएससी सिस्टम पे पूरा विश्वास था कि मैं अगले साल ज़रूर कर लूँगी। तो उनके विश्वास की वजह से मैं यहाँ सीएससी सीकर आई और पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस वजह से आज जो मुकाम हासिल करना चाहती थी वो कर लिया। सीएलसी डायरेक्टर के भेजे हुए एक वीडियो ने, दंगल मूवी का वीडियो जिसमें फोगाट पहनने पर पिता से बात कर रही होती है और पिता कहते हैं मिसालें दी जाती हैं, मिसालें भूली नहीं जाती, इस छात्रा की जिंदगी चेंज कर दी। 12वीं के साथ 10,000 रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, लेकिन उस एक वीडियो ने यह साबित किया कि हमें और आगे जाना है। और आज खेरुल नीट एम्स जिप में तीनों में सफल है। हम पूरे सिलसिले परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई के बारे में लोग सोचते तक नहीं हैं, उस समुदाय से निकल करके खेरुल आने वाले समय में आप बेटा अपने पूरे समाज के लिए बहुत रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी दिनचर्या यहाँ सिलसिले में रहते हुए क्या है? दिनचर्या एकदम, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, अगर आपके पास परफेक्ट शेड्यूल है, अगर आप उसको परफेक्टली फॉलो करते हैं ईमानदारी से, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो सिंपल से सिंपल एग्ज़ाम हो या फिर टफ से टफ एग्ज़ाम हो। और ईमानदारी बहुत होना ज़रूरी है, डेडिकेशन इज मस्ट। अगर डेडिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम शेड्यूल ये रहता था कि क्लासरूम से जाने के बाद मैं वहाँ पे रूम में जाती थी, दोपहर को काफ़ी बच्चे सो जाते हैं, बट मेरे ख्याल से दोपहर को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दोपहर को सोना और रात को सोना दोनों अलग अलग बातें हैं। रात को सोना 10 से 4 बजे तक परफेक्ट टाइम होता है, तो आपका बॉडी टाइम जो भी है वो मैनेज रहता है एकदम। तो दोपहर को जाती, पढ़ने बैठ जाती एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल के साथ, 1.5 आवर ईच सब्जेक्ट, और क्वेश्चंस डेली करती थी, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है। विदाउट क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए क्वेश्चंस डेली करती थी, 1.5 आवर डेली पढ़ती थी, एंड परफेक्ट टाइम पे सारे काम होते थे। सोना एकदम परफेक्ट टाइम पे, उठना एकदम परफेक्ट टाइम पे, एंड उसमें कोई भी मिस मैनेजमेंट नहीं होता था। तो टाइट शेड्यूल देना था रहता था और वो मैं फॉलो करती थी। एक आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल डेली रूटीन, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से फॉलो करना और उसके बाद में डेडिकेशन के साथ डेली बेसिस पे काम करना, ये था खेरुल की सफलता का राज। आइए हम फिर से आर्यन के पास चलते हैं। आर्यन, आपकी दिनचर्या क्या रही? मेरी आप हॉस्टल में रहे थे? मेरी दिनचर्या सीएलसी हॉस्टल वाली थी, वही वार्डन सर सारे सब कुछ फॉलो करवाते थे, मतलब कुछ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ सीएलसी फॉलो करवा रहा था। उठने से लेकर शाम को सोने तक सीएलसी बता रहा था कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो हॉस्टल में हमारे वार्डन सर थे, वो बहुत अच्छे हैं, और रामस्वरूप सर नाम उनका, वो मतलब टाइम से उठा देते थे, टाइम से सोने को बोल देते थे, रात को आके बोल भी जाते थे, बोले बेटा सो जाओ अब उठ जाओ। और दोपहर में मतलब सब कुछ सीएलसी के हिसाब से फिक्स था, तो खुद का कुछ खास रोल नहीं था शेड्यूल में। सीएलसी ने जो कहा आर्यन ने वो किया और उसी के बिहा पर इतना बड़ा मुकाम आपने पाया है। मैं अंतिम क्वेश्चन के साथ समाप्त करना चाहूँगा इसको। आप आने वाले कल में बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड निकल करके आ रहा है, जो लोग बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा टर्न करते हैं, आपका मानस तो कहीं ऐसा नहीं है? हाँ सर, ये है, मतलब दिल्ली में कॉलेज लेना है और आईएएस का प्रिपरेशन करना है। चलिए इस पर आपकी इस इच्छा को पूरी करें, दिल्ली मौलाना आजाद तक आप पहुँचे, उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी करें और एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में समाज की आप सेवा करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। खैरुल, आपका क्या मानस?
मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी बचपन से, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। MBBS करने के बाद PG करूंगी एंड एक स्पेशलिस्ट बनूंगी एंड अपनी जो भी फील्ड है उसमें क्या अच्छा कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करूँगी। खैर उन्हें एक डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हैं, समाज की सेवा करना चाहती हैं। ये दोनों प्रतिभाएं जिनके ऊपर आज इनके परिवार को गर्व है, सीएलसी परिवार को गर्व है, पूरे समाज को गर्व है। ईश्वर करे इनकी मनोकामनाएं पूरी हों, इनकी इच्छाएं पूरी हों और समाज में आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण स्थान कायम करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।